नमस्कार, आप सभी का एनडीएच में स्वागत है। आज हफलोंग के टाउन कम्युनिटी हॉल में डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी द्वारा डिमा हसाओ के आम जनताओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है और यह बैठक 125th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ए बिल को लेकर किया गया है, जैसे कि आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज के इस बैठक में काफी सारे लोगों ने भी हिस्सा लिया है। तो चलिए बिना किसी वक्त को गवाए आपको भी सुनाते हैं कि आज जो ये 125th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ए बिल को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया था, इस बारे में जुएल गर्लोसा, डेनियल लंठासा और निर्मल लंठासा का क्या कहना है आपको भी सुनाते हैं। सबसे पहला सबको नमस्कार, तो हम आप लोग हिंदी में बोलेगा। आज 22 जून सैटरडे हफलोंग टाउन राज्य का कम्युनिटी हॉल में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा स्टेप लिया, जो हमको 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी भी लिया था। हम तो एनजीओ टाइप है, इन्हें से टू रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी है, बहुत अच्छा स्टेप लिया। इसलिए कि अभी सरकार बढ़ गया 125th अमेंडमेंट बिल जो आनंद शर्मा कमेटी ने 5 मार्च 2020 में लोकसभा और राज्यसभा में जो प्लेस किया था, वो पास हो जाने से हम लोगों को लिए कितना टू पॉइंट्स में दिक्कत हो जाएगा, दिगदरी हो जाएगा, आप लोग हिंदी के हिसाब में दुख मिलेगा। अच्छा स्टेप लिया है इसमें। हम लोग उनको बोला है जो हम लोग डायरेक्ट फंडिंग मांगता, बोला हम लोग जो टॉक्स हुआ रहा डीएसटी, हम लोग बोला हम उनको डायरेक्ट फंडिंग करो। तो इस टाइम में बोला है होम मिनिस्ट्री से, स्टेट गवर्नमेंट से, जो डायरेक्ट फंडिंग देने से तो नहीं होगा, नियम नहीं है। आर्टिकल 280 से जो स्टेट और दिल्ली से जो कनेक्शन है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में कनेक्शन होगा, लेकिन नियम में क्या है बोलने से हम लोगों के लिए खराब है। आर्टिकल 280 से यदि पैसा रुपया यदि आता है तो आर्टिकल 243 तरफ से आएगा। तो हो गया ग्राम पंचायत सिस्टम, हम लोगों को 6 शेड्यूल में तो अपना ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम है और ग्राम पंचायत प्लेन स्टेप तो नहीं होगा। आर्टिकल 243 में आएगा वो तो म्यूनिसिपल बोर्ड में होगी, तो म्यूनिसिपल बोर्ड भी तो हमको 6 शेड्यूल को पैराग्राफ में प्रोविजन में है। उसके बाद में हम लोग जो लैंड राइट्स है तो हमें रिकमेंडेशन में जो 125th अमेंडमेंट बिल में हम लोग को लैंड राइट्स देने नहीं मांगता, ट्रांसफर करने नहीं मांगता स्टेट गवर्नमेंट से। और इसका छोड़ के दूसरा बहुत यह में डिफेक्ट है, 125 अमेंडमेंट बिल जो पास हो जाता था हम लोगों को उनको दिगदरी मिलेगा। यह में जो जो है हम लोगों को जनजाति है इंक्लूडिंग नॉन ट्राइबल, नॉन ट्राइबल को भी दिगदरी होगा। यह में जो एंजॉय करता है राइट्स, जो एंजॉय करके आया है 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन में, जो जितना नॉन ट्राइबल लोगों ने जो जात भी होने दो उनको भी दिक्कत होगा। तो बात तो है अभी ये एक तो पॉलिटिकल पार्टी से ऑर्गेनाइज किया, लेकिन ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इलेक्शन पॉलिटिक्स नहीं है। आसमें यहाँ में आया बोल के हम लोगों कांग्रेस पार्टी हो गया, अपोजिशन हो गया बोल के नहीं है। ये सब अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन्स, जितना समाज को आदमी है, एनजीओ है, गांबुरा लुकुन है, मुजारी है,
और अपना अपना कम्युनिटी का जो एपेक्स बॉडी है उनको लेके हम लोग का काउंसिल भी बढ़ना है ना। काउंसिल नहीं बैठा बोल के उसमें हम लोग शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी भी इसी जगह में मीटिंग कॉल किया था, जैसे एपेक्स बॉडी स्टूडेंट यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी को भी बुलाया, रूलिंग को भी ऑपोजिशन को भी। काउंसिल से कुछ स्टेप नहीं लेता बोल के उसमें कांग्रेस से भी बुलाया, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। और इतना मन दुख को बात है, इसमें कितना तो गंबोरा लोगों खुनांग लोगों दिल्ली के लोगों आया है, कोई इंडिविजुअली आया है, ये एपेक्स बॉडी लोगों किस लिए नहीं आया, किस लिए कॉपरेशन तो नहीं देता। स्टूडेंट्स यूनियन स्टूडेंट बॉडीज लोगों को भी बोला है, कोई भी नहीं आया। और कुकी एपेक्स बॉडी स्टूडेंट्स हो सकता है, जेमी बाइल को हो सकता है, रंगखोल खेलमा मार जयंतिया बेते भाई फाई रोंग मई और जो नॉन ट्रेबल बाइल को नहीं, किस लिए नहीं आया, वो सबसे मन दुख को बात है। आओ बातचीत करो, सुनाओ, बोलो, ओपिनियन शेयर करो, नहीं तो हम उनको भविष्य को बात है ना, फ्यूचर को बात है ना। हम उनका जमीन चल रहा है भाई, अभी गांव वाला लोगों को नहीं बोल के, बस्ती वाला लोगों को नहीं बोल के, उमरंगसो में अट्टू बस्ती में 9720 हेक्टर्स माटी ई टेंडर कर दिया वह लाइमस्टोन माइनिंग करने के लिए, मोर देन 5900 किलोमीटर अट्टू बस्ती। और बस्ती वाला लोगों को कॉन्सर्न नहीं लेके 26 किलोमीटर आपको उमरंगसो से आप लोग तिनाली जाने वाला लंगा रोड में सीमेंट फैक्ट्री लगा ही दिया, और बस्ती उठ जाने लगेगा सीमेंट फैक्ट्री बोलने से, तो डर को बात हो गया ना। हम लोगों को बहुत सा पावर तो कमती हो गया, तो इसलिए अभी 125 अमेंडमेंट बिल पास होने को आगे में हम लोगों को जो दिल को बात, हम लोगों को जो सजेशन कंप्लेन व्यूज हम क्या हुआ में ऐड करेगा, हम जो खुशी है नहीं सब बोलने को ले आशा बलाया ना, लेकिन नहीं आया, किस लिए नहीं आता है लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो इलेक्शन को लिए नहीं है तो। हम लोगों को आगे से ब्रिटिश टाइम से छोड़ो, राजा का टाइम से जो हम लोगों अपना जमीन का मालिक हो के आया, जो ब्रिटिश लोगों भी माना है, बाद में सब कमिटी गोपीनाथ बरदलोई सब कमिटी से भी हम लोगों को कस्टम्स लैंड राइट्स के ऊपर में हम लोगों को जो कंट्रोल रखेगा बोला, और उनको फाउंडिंग फादर ऑफ हम लोगों को जो फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर राव भी जो हम लोगों को जो पावर दिया है, वो चीज तो हार रहा है ना। हम लोगों को बहुत दिक्कत होगा फ्यूचर में, यहाँ में आपको ट्राइबल नॉन ट्राइबल की बात नहीं है, हम लोगों को यहाँ को आदमी लोग सरल है, हम देखा है सीधा है, दिल तो कोमलिया है ना, नरम है, क्लीन सिस्टम से नहीं चलेगा ना। हम लोगों उनको अपना दुनिया में बैठा है, हमको अपना से डेवलप होके बैठा है, इसलिए इसको कुछ आलोचना करेगा, कुछ डिस्कशन करेगा, बोलने में बोलाने में काय को नहीं आता आदमी लोगों को, डरता है क्या ना, ईगो को प्रॉब्लम है क्या, क्या को फुटाने को बात है, क्या को डिफिकल्टीज है, आना है लास्ट में अच्छा मीटिंग हुआ और मीटिंग होगा, ऐसे मीटिंग होने लगता है तो हम लोगों को भविष्य के लिए दिखदारी है, इसलिए हम लोग जो भी होने दो दिमाशों का आदमी ना सीधा है, हम प्लेन्स आदमी को नहीं बोला, प्लेन्स आदमी को कॉम्पिटिटिव नहीं है, आज एक दिन खाने मिला बस हो गया, बोलते वाला लोग तो और सीधा है, अपना टाउन का छोकरा छोकरी भी सीधा है ना, हर जाने से ठोका खाता हम लोग, गुवाहाटी जाने का हार जाता हम लोग, अपना जमीन अपना टाउन अपना एटमोस्फियर अपना एनवायरमेंट बचाने के लिए हम लोग आया ना। और यहाँ में खाली एक आपको जो हम बोला हम लोगों को जो लैंड राइट्स
उनको कॉन्स्टिट्यूशन फंडिंग ये सब को लिए नहीं, अरे बहुत बात है यार में अनिश्चित तो मालूम होगा ना, बात को निश्चित तो मालूम होगा ना, आसमें कितना वार हुई के भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अभी पाकिस्तान इंडिया युद्ध हो के भी तो बात करता ना, डिस्कशन है तो डिबेट को नहीं लगता ना, वो बात है। तो बहुत खुशी है आपको मीडिया भी कवर किया बोल के, अब कुछ पार्टी पॉलिटिक्स एलेक्स पॉलिटिक्स का बात नहीं है। थैंक यू। आज हफलोंग टाउन राजी कम्युनिटी हॉल में एक मीटिंग कंडक्ट किया था, ग्रुप डिस्कशन बोलेगा एक्चुअली, ये 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है 2019 उसको लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया और सब स्टेक होल्डर्स लोग को बुलाया। तो आज हम भी एज ए कन्वेनर ऑफ सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी हम आके अटेंड किया ये अलॉन्ग विथ माई अदर मेम्बर्स। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आप लोग को मालूम ही है सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी बहुत महीनों से हम लोग को ये इश्यू का रेस करते हैं। 4 मार्च 2024 को हम याद है यही मीटिंग हॉल में हम लोग एक मीटिंग कॉल किया था, लोगों को बुलाया था। सो धीरे धीरे सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी में बहुत सारा मेंबर्स भी जुड़ा है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हम लोग पहले से बोल रहा है कि ये जो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इसको हम लोग को रिव्यू करने के लिए, और जो इस पर कुछ कुछ प्रॉब्लमेटिक जो अमेंडमेंट्स है हम लोग का ऑटोनॉमी को लेके, या में हम लोग का काउंसिल को जो पावर है उसको लेके, अभी हम लंबा में हम एक्सप्लेन नहीं करेगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारा बार हम अपना डिटेल्स में हम इसको डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी ने बुलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर करना चाहता है कि देखो हम लोग सब ग्रुप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बोलो, एनजीओस बोलो, ऑल द स्टेक होल्डर्स सिक्स शेड्यूल का, वो लोग एक प्लेटफॉर्म में आके जल्द से जल्द ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके चर्चा जल्दी करके हम लोग को अपना ऑब्जेक्शन को डायरेक्ट पूरा प्लेस करना है। नहीं तो क्या हो रहा है कि एक साइड से कोई कोई लोग प्रेशर दे रहा है इसको जल्दी कराने के लिए, जल्दी पास कराने के लिए, इसलिए बोलता है ना एक देर से आए बस दुरुस्त आए ऐसे बोलने वाला। सो आज का मीटिंग हुआ है, अच्छा हुआ मीटिंग हुआ बोल की, लेकिन ये एक मीटिंग से काम ख़त्म नहीं होगा, उसको कंटिन्यू करना है। और बहुत सारा स्टेक होल्डर्स है जो अभी भी नहीं जागा है तो जागना है, लेकिन हम लोग सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से तो आज हमको बुलाया है तो हम अटेंड किया है, अपना बात रखा है, सबको सुनाया है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम है इन डेप्थ में। थोड़े दिन पहले हम लोग ऑनरेबल MLA नंदिता गोलोसा को मिला था जाके, वो एक BJP का एक MLA मिनिस्टर है, लेकिन हम लोग मिलने गया क्योंकि वो अपना टाइम दिया। तो ऐसे ही हम अभी भी रिक्वेस्ट करता है कि हमारा काउंसिल को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, एक ऑल स्टेक होल्डर्स मीटिंग बुलाना चाहिए। कब से हम लोग मेमोरेंडम दे रहा है ये मैटर को लेके कि एक ऑल स्टेक होल्डर्स मीटिंग आप बुलाइए बोल के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम लोग का अलग अलग एपेक्स बॉडीज है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गाँव बुरा लोग है, वो लोग को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। अभी भी पार्टिसिपेशन वो लोग का बहुत कम है, तो आप लोग को सब निकलना चाहिए और एक साथ मिलके हम लोग को इसको आगे लेके जाने सकेगा। तो यही मैं बोल के आप लोग को और दर्शकों को बोलता हूँ कि सिक्स शेड्यूल को प्रोटेक्ट करना हम लोग का एक ड्यूटी है, हम लोग का एक तो ये एक लग्जरी नहीं है, एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, और ये इलेक्शन का बात नहीं है, ये एक तो हम लोग का ड्यूटी है। और ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को तो जल्द से जल्द हम लोग को ऑल स्टेक होल्डर मीटिंग्स इंक्लूडिंग काउंसिल हम लोग बैठना है। थैंक यू। आज कांग्रेस की तरफ से एक कंसल्टेटिव ग्रुप डिस्कशन ऑन 125th अमेंडमेंट बिल की उसके ऊपर चर्चा करने के लिए द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द बिल बोल के हम लोग सब जितना स्टेक होल्डर्स लोग को बुलाया, फर्स्ट यहाँ में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग को भी बुलाया जो जो आज नहीं आया, इन लोग को जो बिल का कॉपी और रिमार्क्स ऑन ईच क्लॉजेस जो रिकमेंडेशंस एंड द बिल्स में उसके ऊपर भी उन लोग को रिमार्क्स लेगा, क्योंकि हम लोग इसलिए कर रहा है क्योंकि आप सबको मालूम है कि 2020 में मार्च को राज्यसभा में ये बिल टेबल हुआ है, लेकिन 17 जो पार्लियामेंट आप लोग सब मालूम हुआ कि देखा है कि उसमें अच्छी तरह से चर्चा नहीं हुआ, लेकिन आप ये 18 लोकसभा इसमें आप सब देखा है कि ये काफ़ी
पॉलिटिकल पार्टीज बोलिए ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी का मेंबर्स बराबर ही है, तो इसमें इस समय में चर्चा बहुत होगा। और ख़ास तौर कर हम लोग को बिल जो 125th अमेंडमेंट बिल जो सिक्स शेड्यूल को ऊपर में जो अमेंडमेंट होना जा रहा है, ये बहुत बड़ा ज़रूरी बात है। इसलिए हम लोग ऐसे नेशनल पार्टी और ओपोजिशन का लीडर्स कांग्रेस ही होगा इस बार पार्लियामेंट में, हम लोग को भी दायित्व होता है कि जो ऑब्जर्वेशंस उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस एंड जो क्लॉजेस के ऊपर में, इसको राय देना का भी बहुत ज़रूरी है हम लोग को, ताकि ये जो डिबेट में ये रेस कर सके, ताकि इसमें रेक्टिफिकेशंस करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सारा डिमांसो वासियों यहाँ का जो जितना भी जो कंसर्न इंडिविजुअल्स जो है शिक्षकों के बारे में जो मालूम है, उन लोग भी आकर और ये बिल के ऊपर में अपना राय अपना ओपिनियन दीजिए बोल के हम लोग ये फर्स्ट स्टेप लिया है। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये काउंसिल के साथ द लेजिस्लेटिव एंड काउंसिल शुड हैव अ कंसल्टेटिव ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस 125th बिल अमेंडमेंट। ये पार्टी के नज़र से नहीं देखना है, क्योंकि आज कांग्रेस ओपोजिशन है बोल के बीजेपी रूलिंग पार्टी है बोल के उस नज़र से देखना नहीं है हम लोग। इनफैक्ट आई मेरे तरफ से ये दरख्वास्त है दैट लेट अस हैव अ फ्रेंडली डिस्कशन ऑन दिस बिल 125th अमेंडमेंट बिल। इसलिए मैं चाहता है आज में हम लोग ये रेजोल्यूशन लिया है कि हम लोग सब मिल के काउंसिल को भी रिक्वेस्ट करेगा कि लेट अस हैव अ पब्लिक कंसल्टेटिव ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस इम्पैक्ट ऑफ 125th बिल अमेंडमेंट का हम लोग के ऊपर क्या होगा बोल के। तो मैं चाहता है कि ये आने वाला पीढ़ी के लिए ये सब एक हम लोग का तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ताकि फ्यूचर में अगर इस बार आप कुछ गलती हो गया तो हम लोग को उन लोग दोषी ठहराएगा। इसलिए ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग उठाना जरूरी है कि लेट अस हैव कंसल्टेटिव डिस्कशन ऑन 125th बिल बोल के, ताकि जब भी ये बिल डिबेट में जब होगा, लिस्ट ऑफ बिजनेस देखेगा कब ये बिल प्लेस होगा, तब हम लोग एक कॉन्सेंसस होके अगर हम लोग दे नहीं सकता है बोथ द रूलिंग एंड द ऑपोजिशन, तब हम लोग को फ्यूचर के लिए अच्छा होगा बोल के। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ताकि हमारा जो द सोल ऑफ द सिक्स शेड्यूल बी प्रोटेक्टेड। तो मैं हम लोग ऐसा पार्टी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और स्टेट की जनरल सेक्रेटरी, हम लोग को ये भी दायित्व होता है कि सारा हिल्स डिस्ट्रिक्ट का जितना भी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग से भी बात करें। इसलिए मैं कार्बी अलोंग वाला लोग को भी रिक्वेस्ट किया है लेट आप लोग भी ऑर्गेनाइज कीजिए एंड हम लोग भी इधर से जाएगा, तो लेट हम लोग सब मिल के कंसल्टेटिव मिल के हम लोग एक तो ये हम लोग का कमेंट्स भी हम लोग देना चाहता वो। तो ये है मेन मूल उद्देश्य हम लोग को, इसमें कोई पॉलिटिक्स करना हम तो नहीं समझता है, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिक्स शेड्यूल हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए ये हम लोग इनिशिएट लिया है, क्योंकि ये सब बहुत लोग इस विशेष में अनअवेयर है कि 125th बिल क्या है नहीं है। तो ये सारा चीज़ें हम लोग ज़रूरी है हम लोग को बीच में जितना स्टेक होल्डर्स के बीच में चर्चा करने के लिए, आम आदमी तो नहीं समझेगा लेकिन जो भी पॉलिटिक्स में जो स्टेक होल्डर्स है इन लोग को जिम्मेवारी होता है कि हम लोग भी अपना रायदान दिए अपना ओपिनियन इस बिल में, ताकि अगर बिल पास होने के बाद ऐसा ओपोजिशन हम लोग के ऊपर भी सवाल उठेगा कि ओपोजिशन क्यों ये पॉइंट्स रेज नहीं किया होगा। तो ये सारा चीज़ें समझ के हमें ये इनिशिएटिव लिया है आने वाला दिन में, और ये हम लोग जल्द से जल्द ये मीटिंग नेक्स्ट सिटिंग नेक्स्ट वीक में कर रहे हैं। उसके बाद आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काउंसिल वाला लोग भी एक ऑल पार्टी एंड ऑल स्टेक होल्डर्स मिल के हम लोग इस 125th बिल का ऊपर में चर्चा करें और उसमें एक रेजोल्यूशन ले बोलते। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ आज के जितना भी ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं आया उन लोग को जो हम लोग ये बिल पहुंचाएगा, आप लोग काइंडली अपना रिमार्क्स दीजिए और नेक्स्ट अगर काउंसिल अगर बुलाता है सब मिल के हम लोग अपना दिमाग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिमाग सब हम लोग एक कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन हम लोग अपना प्लेस करें वो। थैंक यू।